रोला 1982 तो चेक करें, देखते टोयोटा लैंड क्रूजर की ये बहुत ही ज्यादा, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन चेक करें। सो यहाँ पे जीआर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ये सो आज हम आए हुए हैं एक्सपो सेंटर कराची, जहाँ पे हो रहा है पार्क व्हील यूज का मेला। ये एक साल के अंदर अभी दूसरी बार हो रहा है, यानी कि 2023 का पहला हुआ था 19 फरवरी को, अभी 4 जून को हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको यूज़ गाड़ियों के प्राइसेस बताएंगे, क्योंकि आज के नई गाड़ी लेना तो किसी के समझो बस की बात ही नहीं, क्योंकि नई गाड़ियों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। वैसे तो यूज़ के भी इंक्रीज़ हुए, लेकिन यूज़ गाड़ियाँ अभी मुनासिब कीमतों में इधर मिल रही है। मैंने कई गाड़ियों के प्राइसेस चेक किए, मुनासिब कीमतों में मिल रही। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाड़ियों की डिटेल लेके, तो चले जी वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने ये सब मैं अंदर हॉल नंबर 5 में आए हो, तो यहाँ पर हम गाड़ियों के प्राइसेस चेक करते हैं और साथ कुछ स्टॉक वगैरह चेक। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये टोयोटा करोला ग्रैंडी एक्स है, फुल ऑप्शन वेरिएंट, ब्लैक इंटीरियर वाला है। इसके जो के डिमांड की जा रही है वो 72,750 की जा रही है। ये 1800 cc वाला वेरिएंट है, बाकी आप इसकी चेक कर सकते हैं। की तरफ आते हैं, इसकी 13,25,000 रुपये डिमांड की जा रही है। 2017 का मॉडल है, 23,000 किलोमीटर चली हुई, VX है, फुल ऑप्शन वेरिएंट है। बाकी इंटीरियर तो इसका बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं गाड़ी का, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंडीशन, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इस गाड़ी की। इंटीरियर जैसा कि चेक करें, कंडीशन इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। सुजुकी स्विफ्ट की तरफ आ जाइए, इसकी जो डिमांड की जा रही वो 46.5 लाख रुपीज़ की जा रही, 1200 cc वेरिएंट है और सिंध की रजिस्टर है। लोग इंटीरियर चेक करते हैं, नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर गाड़ी का इंटीरियर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से गाड़ी का इंटीरियर है। यहाँ पर ये फ़ायदा है कि पार्क व्हील यूज़ कार मेला के अंदर यहाँ पे गाड़ियाँ नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिल जाती है। और ये सुजुकी स्विफ्ट का फुल ऑप्शन वेरिएंट, जो कि GLX CVT वेरिएंट, रेयर पे पार्किंग सेंसर्स भी आपको इसमें दिए जाते हैं। एलेंट्रा की हम लोग चेक करें प्राइस को, इसकी जो कि डिमांड की जा रही है वो 69.5 लाख रुपीज़ की जा रही है। 2023 का मॉडल है और 7000 किलोमीटर ये वाली गाड़ी चली हुई है। देखते सुजुकी अल्टो की डिमांड चेक करते, 2020 का मॉडल है और 21 की रजिस्ट्रेशन है, और ये इसकी डिमांड 35,000 किलोमीटर चली हुई है और 607 cc की गाड़ी है। डिमांड इसकी चेक करते हैं, डिमांड अभी वैसे लिखी तो नहीं हो। टोयोटा लैंड क्रूजर को देखते हैं, ये वाला वेरिएंट बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड के अंदर सेल हुआ, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। 2003 का मॉडल है, 4700 cc में आती है और ये 90 लाख गाड़ी की डिमांड की जा रही है। कंडीशन आप गाड़ी की चेक करें, बिल्कुल न्यू कंडीशन में गाड़ी है। ये सब मर्सिडीज़ की तरफ आए, मर्सिडीज़ बेंज पैकेज है, सी क्लास C180 2012 का मॉडल है, 60 लाख गाड़ी की डिमांड है। सुजुकी स्विफ्ट का चेक करते हैं, कंडीशन इसकी थोड़ी रफ़ लग रही है, लेकिन इसकी डिमांड 26 लाख रुपये है, 17 मॉडल है। बाकी आप कंडीशन इसकी ओपन करके आपको दिखाते, कंडीशन अंदर से सही है, इंटीरियर गाड़ी का सही है। दाईहात्सु मीरा की तरफ आ जाए, तो दाईहात्सु मीरा की डिमांड चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो डिमांड की जा रही 23.5 लाख रुपये की जा रही, 13 मॉडल है, 68,000 चली हुई गाड़ी। बाकी कंडीशन आप गाड़ी की चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जितनी गाड़ी आई अच्छी कंडीशन में, ये नहीं कि अच्छी कंडीशन में ना हो। टोयोटा करोला का कलर बहुत अच्छा मुझे लगा, ये आई थिंक गोल्डन कलर में, ये GLI 1.3 लीटर वाला वेरिएंट, 40 लाख रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही और ये 49,000 तकरीबन 50,000 किलोमीटर चली हुई। कंडीशन इसकी अच्छी है गाड़ी की। गाड़ी आपको इंटीरियर कंडीशन दिखा देते हैं, इंटीरियर गाड़ी का चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं टोयोटा लैंड क्रूजर की, ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मॉडल है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड में भी और पाकिस्तान के भी अंदर। आप इसकी डिमांड देखें तो 45.5 लाख रुपीज़ की जा रही है। 1996 का मॉडल है, VX लिमिटेड, यानी कि ये फुल ऑप्शन वेरियंट। लाइट्स आप चेक करें गाड़ी की, एक्सटीरियर लुक चेक करें गाड़ी की, मॉडिफिकेशन चेक करें गाड़ी की, गाड़ी की लाइट्स को चेक करें आप, लाइट्स वगैरह बहुत फंकी की। अगर हम लोग डिमांड देखते हैं तो यहाँ पे डिमांड तो नहीं लिखी, लेकिन ये 2014 का मॉडल है, 4000 cc वाला वेरिएंट है टोयोटा फंकी। नहीं, ये बेस्ट ऑफ रोडर है, अगर हम लोग किसी भी जगह ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाए या तो किसी डेजर्ट सफारी के लिए लेके जाए, तो ये बहुत मजबूत गाड़ी है। कंडीशन आप गाड़ी की चेक कर सकते, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। ये अभी भी करोला है, 28 लाख गाड़ी की डिमांड की जा रही और ये 14 मॉडल है। टोयोटा लैंड क्रूजर की तरफ आ जाए, ये बेसिकली अंदर भी मुझे नज़र आई थी बहुत ज़बरदस्त, लेकिन वो मॉडिफाई हुई थी, ये ज़रा कुछ लाइट्स वगैरह इसमें फ्रंट पे लगाई गई है। बाकी इसकी जो डिमांड है वो 40 लाख रुपये, 93 का मॉडल है, 1,10,000 किलोमीटर गाड़ी लिखा हुआ कि चली हुई है। वैसे हम लोग BMW देखते हैं, BMW की ये आई थिंक 7 सीरीज़ है, BMW 7 सीरीज़ है, 735i 2004 मॉडल है और 3600 cc में आती है, 3.6 लीटर वेरियंट है, अनरजिस्टर्ड है, 42 लाख गाड़ी की डिमांड है। वैसे 7 सीरीज़ की अलग ही बात है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ी। BMW की अगर टॉप लाइन वेरिएंट की बात करें, या तो टॉप लग्जरी गाड़ी की बात करें, या तो वर्ल्ड्स लग्जूरियस सेडान की बात करें, तो वो BMW की 7 सीरीज़ आ जाए।
यसो ये वाली गाड़ी चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है। सुजुकी की ये कैपुसिनो है, 0.7 607 सीसी में आती है, मैनुअल ट्रांसमिशन में। 11.5 लाख ये भी मैंने वैसे पहली बार ये वाली गाड़ी सुजुकी की सुनी है। बहुत ज़बरदस्त सी, ऊपर इसकी कन्वर्टेबल है, ओपन भी सनरूफ हो जाती है इसकी, सनरूफ कह रहे हो, इसकी रूफ ओपन हो जाती है। बाकी निसान डेज देखते तो इसकी 29,50,000 डिमांड की जा रही है। 19 मॉडल है, 607 सीसी में। अपना कैमरी को हम लोग देखते हैं, ये 2007 का मॉडल है और गाड़ी की डिमांड 28 लाख रुपये की जा रही है वाइट कलर में, और ये बिल्कुल 0 मीटर कंडीशन में। और ये जैपनीज़ इम्पोर्ट होती है गाड़ी, पाकिस्तान में जापान से इम्पोर्ट करवाई जाती है। मर्सिडीज़ देखते, ये पर्पल कलर में मर्सिडीज़ बेंज है, सी क्लास है, 2001 मॉडल है, 25 लाख गाड़ी की डिमांड की जा रही है मर्सिडीज़ बेंज। जैसे यहाँ पे टोयोटा हाइलक्स देखते हैं, टोयोटा हाइलक्स का ये 2.8 लीटर वाला रेवो वेरिएंट है, गाड़ी की डिमांड 86.75 लाख रुपीज़ की जा रही है, और ये 2017 का मॉडल है। ये सब आपको सुजुकी अल्टो दिखाते हैं, 2022 का मॉडल है, वो 22 की रजिस्ट्रेशन है, 8500 किलोमीटर चली हुई है और 24,60,000 गाड़ी की डिमांड है। वैसे ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंडीशन में। इस तरफ देखते हैं तो ये भी 22 का मॉडल है, 24,80,000 गाड़ी की डिमांड की जा रही है सुजुकी अल्टो। ये तो यहाँ पे होंडा सिविक देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड कार्स आई हुई है। यहाँ पे होंडा सिविक की आप मॉडिफिकेशन चेक कर सकते हैं, पीछे स्पॉइलर भी लगा हुआ है, यहाँ डिफ्यूज़र की तरफ बम्परफिकेशन की गई है। बाकी गाड़ी के अलॉय व्हील्स आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट गाड़ी को ब्लैकआउट किया, कार्बन फाइबर में डोर हैंडल्स किए गए, यहाँ भी कार्बन फाइबर है। बाकी इसके साइड मिरर्स भी कार्बन फाइबर में किए गए। फ्रंट पे आते हैं तो फ्रंट भी इसका कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया है। ये वैसे तो सिविक की जो कि टर्बो आरएस आती है ये उससे कुछ ज़्यादा मॉडिफाइड की गई है। इसकी जो कि डिमांड की जा रही है वो 53.5 लाख रुपीज़ की जा रही है, और ये 2018 का मॉडल है, यानी कि वैसे तो डिमांड मॉडिफिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा की जा रही है, लेकिन ये 2018 का मॉडल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोयोटा करोला का ओल्ड मॉडल है, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन चेक करें, फ्रंट पे लाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती इंस्टॉल की गई है, LED प्रोजेक्टर लैंप्स ऐसा के लग रहे हैं। हुड पे आप देख सकते हैं ये मॉडिफिकेशन की गई। बाकी यहाँ पे क्रोम में बहुत ज़्यादा फीचर किया गया। 2000 मॉडल है और 2006 की ये इंपोर्ट की गई है, 2000 मॉडल है और 2006 का नंबर लगा गाड़ी पे वाइट कलर में, और ये 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, 1300 सीसी वाला वेरियंट है। इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, जैसे कि आप इसकी कंडीशन को चेक करें और मॉडिफाइड चेक करें फ्रंट पे, जैसे कि क्रोम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ नज़र आ रहा है। अलॉय व्हील्स आप चेक करें क्रोम में, यहाँ पे भी क्रोम की फिनिश दी गई, साइड मिरर्स में यहाँ लाइट्स से, बाकी टोयोटा की लोगो वगैरह दिया हुआ। रेयर साइड पर देखते तो यहाँ पर रूफ़ के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह कुछ किया गया, रूफ़ पर भी मॉडिफिकेशन की गई है। इंटीरियर इस गाड़ी का देखते तो इंटीरियर पे रे पे आपको LCDs भी मिल जाएगी, रे पे LCDs भी मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन की गई, बहुत ज़बरदस्त सी गाड़ी है। यहाँ पे रिमोट भी मिलेगा जिससे LCDs को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट की तरफ जाते फ्रंट भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है इस गाड़ी का, फ्रंट गाड़ी का देख सकते आप, वहाँ पे भी एक LCD दी जाती है, इस तरफ भी LCD ऊपर मिल जाती है जो कि रिवर्स कैमरा को सपोर्ट करेगी, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स इस तरफ मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एलएसविन की तरफ आ जाए तो एलएसविन देखते हैं तो एलएसविन की डिमांड 2022 मॉडल है और 4180 गाड़ी की डिमांड है। मर्सिडीज़ ई क्लास चेक करें, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर, न्यू कंडीशन में गाड़ी है, 49 लाख गाड़ी की डिमांड है, 7 का मॉडल है, 1800 सीसी वाला वेरियंट, 76,000 गाड़ी चली हुई है। बाकी गाड़ी का आप इंटीरियर चेक कर सकते हैं, इंटीरियर इस गाड़ी का मर्सिडीज़ की अगर हम लोग किसी भी गाड़ी का इंटीरियर देखें तो इतना लग्जरी है, आप देख सकते हैं फीचर्स इस गाड़ी के, फीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस गाड़ी में दिए जाते हैं। बाकी डिटेल रिव्यू तो मेरे चैनल पे वैसे भी अपलोड है, मर्सिडीज़ E200 वेरिएंट है, गाड़ी चेक कर सकते हैं, रेयर पार्किंग सेंसर्स गाड़ी में भी दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो होंडा सिविक आई हुई है, 1.6 लीटर वाला वेरिएंट, 1998 का मॉडल है, 1600 सीसी वाला वेरिएंट है, 11 लाख गाड़ी की डिमांड की जा रही, वैसे मॉडिफाइड है ये भी, ट्रॉफी का बैज लगा हुआ, अलॉय व्हील्स चेंज किए गए, साइड स्कर्ट से फ्रंट बम्पर में चेंजिंग की गई है। बाकी रूफ़ आप गाड़ी की कुछ चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से रूफ़ है गाड़ी की, कंप्लीट ब्लैकआउट की गई है। फिर रेवो की लाइन पे आते हैं तो यहाँ पे रोको है, वैसे तो ये आई थिंक रेवो है क्योंकि इसको फेसलिफ्ट किया हुआ है। जी जी, ये रेवो मॉडल है और जो कि इसकी डिमांड की जा रही है वो 1.13 करोड़ रुपीज़ की जा रही है, 21 का मॉडल है। तो हम लोग MG देखते हैं, MG 85 लाख रुपीज़ गाड़ी की डिमांड की जा रही है, 23 मॉडल है, 0 मीटर गाड़ी है और इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 85। ये एक्सटीरियर इसका ब्लैक है, इंटीरियर इसका बेज कलर में। Daihatsu Core को देखें तो 11 लाख डिमांड की जा रही है, 12 का मॉडल है, 800 सीसी में आती है। वीगो की तरफ आते हैं तो ये V6 सिलेंडर 4000 सीसी वाला वेरियंट है,
इसकी जो डिमांड की जा रही 12 मॉडल है, डिमांड इसकी है 68.75 लैक्स। 68 वैसे तो बहुत ज़्यादा है, 2012 मॉडल बहुत ज़्यादा है, ऐसे में ये 2016 की रजिस्ट्रेशन है, इस वजह से 1,65,000 किलोमीटर चली हुई है। रेवो की तरफ आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं रेवो की डिमांड, हम लोग चेक करते हैं, ये 1.31 करोड़ है, 22 का मॉडल है और ये 14,500 किलोमीटर चली हुई है। इस तरफ देखते हैं ये ओरिजिनल रेवको है, इसकी डिमांड देखें तो 22 का मॉडल है और इसकी डिमांड 1.43 करोड़ रुपीज़ है। टोयोटा करोला 1982 तो चेक करें, इतनी ज़बरदस्त कंडीशन में और इतनी ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन में आई है। 1982 60,000 चली हुई, मैनुअल वेरिएंट है और 1800 सीसी वाला वेरिएंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1982 का मॉडल है और ज़बरदस्त कंडीशन में, यानी कि इसको तो इतने ज़्यादा मॉडिफाइड किया हुआ है। इसके अलॉय व्हील्स चेक करें, अलॉय व्हील्स इसके देखते हैं, टायर्स की कंडीशन भी अच्छी है। बाकी इंटीरियर आप गाड़ी का देखें, एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है इस गाड़ी को, अगर कोई बंदा बाय करता है तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है भाई। कितने डिमांड की जा रही, 12.5 लाख रुपये डिमांड की जा रही, 60,000 चली हुई है। वैसे तो इनके मीटर पे तो हम भरोसा नहीं करते, ये तो छोड़े किलोमीटर कितनी चली, वैसे 1982 का मतलब 1800 सीसी 12.5 लाख डिमांड की जा रही। नंबर आप नोट कर सकते, इसमें बाय करना चाहते तो नंबर नोट कर सकते। बाकी कंडीशन आप रेयर की चेक करें, स्पॉइलर भी आपको ये कार्बन फाइबर में मिल जाते हैं, क्रोम में बम्पर मिलता है, ये ओरिजिनल क्रोम में ही आता है इसका बम्पर, GA वेरिएंट है देख सकते हैं। आई थिंक ये अमेरिकन मॉडल होगा, ये ज़रूर अमेरिका से इंपोर्ट करवाया गया है। टोयोटा करोला की तरफ आते हैं तो यहाँ पे इस गाड़ी की जो कि डिमांड की जा रही वो 29 लाख रुपये की जा रही, 12 मॉडल है और ये 1.6 LT है SR। देखते हैं सुजुकी स्विफ्ट की क्या डिमांड की जा रही है। बाकी कंडीशन तो इसकी नीट एंड क्लीन है, 43.75, बहुत ही वैसे तो गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ है लेकिन ये 7,000 किलोमीटर चली हुई है। ओल्ड सुजुकी स्विफ्ट की तरफ मैं तो इस पर हैरान हो गया, 26,75,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही, 17 मॉडल इस वेरिएंट की सुजुकी स्विफ्ट की, और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इस तरफ आ जाए तो कल्टस की तरफ आते, कल्टस की 35,50,000 डिमांड की जा रही, यानी कि तकरीबन नई कल्टस 50-55 की तो होगी, क्योंकि 2020 का ये वाला वेरियंट है। इस टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडा का ये वाला कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन आई थिंक ये इन्होंने रैप की हुई है, क्योंकि ये कलर में फॉर्चूनर एजेंडे नहीं आती, ये रैप की होगी। बाकी आप चेक कर सकते हैं इस गाड़ी की कंडीशन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी। ठीक है, हम लोग अगर प्राइस चेक करें तो यहाँ पे 52.5 लाख रुपीज़ इस गाड़ी की डिमांड की जा रही, 2018 का मॉडल, 50,000 किलोमीटर चली गई। इस सिविक की तरफ आते तो इसकी डिमांड की जा रही 52 और 40,000 ये चली गई, यानी कि थोड़ा सा ही फर्क है, 2018 का मॉडल है। वैसे टोयोटा हाइलक्स रोको की डिमांड चेक करते तो इस गाड़ी की 1,44,00,000 रुपये डिमांड की जा रही, 22 मॉडल है और 0 मीटर है, 228 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। बाकी कंडीशन इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लेजेंडा को देखते हैं तो लेजेंडा की डिमांड 2.1 करोड़ की जा रही है और ये भी 0 मीटर है, 300 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। जो GR वेरिएंट है उसकी जो कोई इनवॉइस है वो है 2.1 करोड़, बेसिकली ये इनवॉइस ही है। अगर 0 मीटर आप किसी और जगह से बाय करने कंपनी से बाय करते तो आपको 2.1 करोड़ की मिलेगी, अगर आप इनसे भी बाय करते ये भी 2.1 करोड़ की मिलेगी, लेकिन सिर्फ आपको 300 किलोमीटर चली हुई मिल जाएगी। और जो कि GR की इनवॉइस है वो है 2,11,00,000 रुपये। CHR देख सकते हैं हम, CHR की कंडीशन चेक करते हैं तो कंडीशन भी इसकी नीट एंड क्लीन है और साथ इसका जो कि मॉडल है वो 2017 का मॉडल है और ये 1800 सीसी में आती है, 81.75 लाख रुपीज़ की जा रही डिमांड इस गाड़ी की। अगर ये न्यू मॉडल होगा तो इसकी डिमांड ज़्यादा की जाएगी, लेकिन अभी ये ओल्ड मॉडल है, जैपनीज है, तो इसकी डिमांड इस तरह की जाएगी। ब्लैक इंटीरियर है इस गाड़ी का, बेसिकली ये 2 से 3 इंटीरियर ऑप्शन में आती है टोयोटा CHR। बाकी इसकी आप रिवर्स साइड देख सकते हैं। टोयोटा करोला की तरफ आ जाए तो टोयोटा करोला की हम लोग डिमांड देखते तो इसकी 53.25 लाख रुपीज़ डिमांड की जा रही, 21 मॉडल है और 17,000 किलोमीटर चली हुई है। और ये करोला का कौन सा अल्टिस वेरियंट है जो कि 1.6 लीटर वाला वेरियंट आता है, आप इसकी चेक करें कुछ इंटीरियर लुक, अगर ओपन है तो आपको दिखाते हैं इंटीरियर इस गाड़ी का। जैसे कि आप इंटीरियर इस गाड़ी का देखें, 1.6 लीटर वेरिएंट है, इंटीरियर भी नीट एंड क्लीन है। सो हम लोग सुजुकी मेहरान को देखते हैं, कंडीशन इसकी नीट एंड क्लीन है, 18 मॉडल है और ये इसकी डिमांड 15 लाख रुपये की जा रही है। अगर हम लोग इसका ओपन है तो देख लेते गाड़ी को ओपन करके। सुजुकी अल्टो को देखते, सुजुकी अल्टो 21 मॉडल है, 24,80,000 रुपये गाड़ी की डिमांड की जा रही है और 19,700 किलोमीटर चली हुई, कंडीशन इसकी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे देखते हैं एक जैपनीज सुजुकी पासो 2016 मॉडल है, 34 लाख गाड़ी की डिमांड की जा रही है और ये एडास फीचर वाली नहीं है, एडास फीचर वाली दूसरी आती है, इसमें सेंसर्स वगैरह नहीं है। बाकी इस तरफ देखते वेगनार के प्राइस तो 19,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही, 17 मॉडल
बाकी हम लोग इस तरह ढाई हाथ सौ मिला कि 20 लाख रुपये डिमांड की जा रही, 20.5 लाख रुपये डिमांड की जा रही और 16 का मॉडल है। यहाँ पे देखते तो कल्टस की तरफ आते, कल्टस की अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, 14 मॉडल है और 12,60,000 रुपये गाड़ी की डिमांड की जा रही है। टोयोटा विट्ज़ की तरफ आ जाए तो इसकी डिमांड 36 लाख रुपये की जा रही है, 18 मॉडल है। होंडे की तरफ आते 8,20,000 रुपये गाड़ी की डिमांड की जा रही है और 10 मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। टोयोटा यारिस 43.25 लाख रुपये की गाड़ी की डिमांड की जा रही है और जब ये लॉन्च हुई थी 29 लाख रुपये में लॉन्च हुई थी और अभी इसकी वैसे नई की कीमत भी 60 लाख है। इस तरफ देखिए तो यहाँ पे टोयोटा क्रोला है 1.6 लीटर वाला, 57 लाख डिमांड की जा रही, 21 मॉडल। क्रोला अल्टिस 1.6 वाली है 2016 और 29,25,000 रुपये गाड़ी की डिमांड। देखते तो होंडा सिटी की लाइन है, वहाँ पर देख सकते ये सारी होंडा सिटी मौजूद है, 24 लाख रुपये इसकी डिमांड है और ये 2014 का मॉडल है, तकरीबन 1 लाख किलोमीटर चली हुई है। ये न्यू मॉडल होंडा सिटी है, इसकी 53 लाख रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही, 22 मॉडल, 5,200 किलोमीटर चली हुई और ये फुल ऑप्शन वेरिएंट है होंडा सिटी का। और नई वाली ये तकरीबन 60 लाख रुपये की है, एस्पायर सीवीडी वेरिएंट, यहाँ पे भी न्यू मॉडल आया हुआ होंडा सिटी का। टोयोटा क्रोला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्स लाइव वेरियंट है, ये 35 लाख गाड़ी की डिमांड की जा रही, 19 मॉडल है। टोयोटा यारिस ये फुल ऑप्शन 80X वेरिएंट है और यहाँ 42.5 लाख गाड़ी की डिमांड की जा रही है। ये वाली पता चलता है कि ओरिजिनल कंडीशन में गाड़ी है, इसकी 22 लाख डिमांड की जा रही, 11 मॉडल, 1300 CC वाला वेरिएंट है। इस तरफ देखते हैं ये चाइनीज़ गाड़ी है जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा सेल हुई है, 21 मॉडल, 35 लाख रुपये गाड़ी की डिमांड की जा रही है। गाड़ी का इंटीरियर चेक करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंटीरियर है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बिल्कुल कह रहे कि नई गाड़ी है। इसकी कंडीशन आप गाड़ी की चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।